बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरशाद बेगम, नहनाज के सास। आज मैं आपको मछली का सालन बनाने की तरकीब बता रही हूँ। ये देखिए, 1 किलो मछली लिया मैंने, जो आपको मिले वही बनाइएगा, पाबंदी नहीं है। आलू 1/2 किलो आपने, एक ये चीज ऐसे आपने काटनी है इनको, एक आलू से 4 हिस्से करने हैं क्योंकि ये खूबसूरत लगती है शेप। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 2 प्याज, ये कटिंग करते हैं जैसे आम सालन के लिए करते हैं। फिर हमने इनको फ्राई किया है, और फ्राई जो आपने करना है वो डार्क ब्राउन में करना है। वो क्यों? वजह ये है कि इसमें डलती है ना दही, तो वो होती है वाइट। ये हम डार्क डालेंगे तो इसका कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत कलर आएगा। फिर अगर आप लाइट रखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद सा रहेगा सालन, मज़ा नहीं आएगा। हमने जो प्याज ब्राउन किया था ना, वो हमने निकाल लिया था, उसी घी में हमने पहले इनको कड़कड़ाना है मसालों, सिर्फ मेथी के अलावा बाकी ये सब चीज़ें उसमें पहले डलेंगी। इसमें यह है अजवाइन 1 छोटा चम्मच, मेथी दाना 1 छोटा चम्मच, कलौंजी 1 छोटा चम्मच, 2 ये तेज़पात, ये क्या कहते हैं, एक लौंगे आ गई तकरीबन 6-7-8 ले लीजिएगा, और ये सियाह मिर्चें, दालचीनी, ये दालचीनी के 2 टुकड़े ले लीजिएगा, और ये फूल है बादियान के फूल। ठीक भूल जाती हूँ ना, क्या करूँ, बुढ़िया हो गई ना। चलिए कोई बात नहीं, खैर है, दर्द से पीजिएगा। और फिर ये कि ये मेथी जो है ना, ये एंड में डल दी है, इसलिए इसको रोक के बाकी मसाले डाल। अच्छा, वो जब हम मसाले डाल लेंगे ना, उनको कड़कड़ाने के बाद हमने ये डालना है हल्दी 1 छोटा चम्मच, धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच बड़े, और 1 चम्मच मिर्चों का लेना है, इसमें जरा हल्की मिर्चें सही रहती हैं, 1 चम्मच बड़ा ले लीजिएगा, और 1 चम्मच है ये नमक का, हल्का लगे तो और डाल लीजिएगा, 1 छोटा चम्मच। ये लहसुन हमने लेके ना पीस लिया, इसकी 3 कम से कम पोथियाँ लीजिएगा, जिसमें से 1 तो आपने निकालनी है मसाले के लिए, और 2 को हमने पीस के अलहदा से रख लिया था, वो धोने के काम आया था। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि मछली को मैंने पहले सिंपल पानी से धोया, उसके बाद लहसुन लगा के 1/2 घंटे के लिए रख छोड़ा, उसके बाद हमने उसको फिर दोबारा से धो लिया, और कुछ नहीं डालना, सिर्फ लहसुन लगा के रखना है आपने। और फिर जब आप धो चुके तो उसकी ये पोजीशन होगी, उसके बाद हम इसमें ये दही जो है ना फेंक के, 1.5 पाव दही ये हमने इसमें डाल के छोड़ देना है, बिल्कुल लगा के छोड़ देना है, जैसे ये बिल्कुल डूब जानी चाहिए मछली। अच्छा, इसको अलट पलट नहीं कर लो, अलट पलट भी कर लो, लेकिन ठीक है, आ गया ना नीचे तक, तो पहुँच गई है दही। ठीक है, ये ऐसे ये हमने दही लगा के इसको कम से कम 1/2 घंटा हम इसको रखेंगे, इसलिए जज्ब हो जाएगी। इससे दही लगा के रखने से ये फ़ायदा होता है कि मछली टूटती नहीं है, वरना मछली अक्सर टूट जाती है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फिर इतने हम करते हैं मसाला तैयार अपना, फिर हम उसमें शामिल करेंगे। ये हमने चूल्हा ऑन हो गया हमारा, अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए जी, मैंने ये ऑयल रखा है इस पर, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके ना ये गर्म मसाले वगैरह सब डाल देंगे इसमें, एक के बाद एक। ये भी अजवाइन, मेथी दाना, जी सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे, सिवाय मेथी जो है सूखी, इसके अलावा। अब हम इसको कड़कड़ाएंगे थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद हम इसमें फिर शामिल करेंगे ये हमारा लहसुन, और जो हमने प्याज ब्राउन किया था ना उसको हमने ग्राइंड कर लिया, क्योंकि वो साबुत प्याज अच्छे नहीं लगते, ग्रेवी अच्छी नहीं बनती, कोर में भी ऐसे ही बनता है। अब ये मैं इसमें ये शामिल करूँगी, लहसुन और प्याज ब्राउन, इसको हम थोड़ा सा भूलेंगे, एक दो मिनट तक, उसके बाद जो पीछे मसाले थे ना ये सब कुछ शामिल करते हैं। अब हम इसको फिर भूनेंगे, इस मसाले को हमें कम मत करना, 10 मिनट भूनना है वो, और इसमें अगर पानी कम हो थोड़ा सा पानी शामिल करते जाइए और भूनते जाइए, ताकि लहसुन की महक जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, हम मसाला भून रहे हैं ना, हमने इसमें पानी डाला है जैसे, तो छलकता है,
आप जब चमचा चलाएं हमेशा इस रूप से चलाइएगा, इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर छींट नहीं आती मसाले की या घी। यदि एक सुंदर तरीका है ऐसे न चलाएं, ये नहीं ऐसे चलाएं, ये। अब जिस वक्त इसमें से लहसुन की ना आए यानी मसाला हमारा तकरीबन भून गया, इस उसने हम पोजीशन को आगे ये हम आलू इसमें शामिल करें और इनको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक के ये थोड़े थोड़े अधगले ना हो जाए। पानी नहीं डालना इसमें, बस ये आलू में से जो पानी होगा ना थोड़ा बहुत, बस उसी में ये ऐसे हो जाएंगे और फिर इसमें मसाला जो है वो अच्छी तरह बस जाएगा जिससे इसका जायका बनेगा सही, फीके नहीं रहेंगे। ये देखिए हमारे आलू ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल गल चुके, लेकिन ये बिल्कुल नहीं गले, बेबी आधे गले हैं आधे नहीं गले। अब ये मछली के साथ गल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इसमें ये मछली डालें, ये देखिए अब मैंने इसमें सारी मछली डाल दी है बमैद दही के, लेकिन आपने सिर्फ एक बार ही इसको चलाना है, उसके बाद आपने इसको चमचा नहीं चलाना। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे हिलाना है। ये बस एक बार अच्छी तरह से सही चमचा चला दीजिए ताकि मसाला और मछली सब आलू वगैरह सब एक जगह मिक्स हो जाए सही। अब इसको उबाल आने तक हम छोड़ देंगे, फिर हिलाएंगे और पानी नहीं डाला मैंने इसमें बिल्कुल। जो दही का पानी है इसी में मछली भी गल जाएगी और आलू भी गल जाएंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया, ये 5 मिनट मैंने इसको ढक्कन लगा के रखा था। अब हमने इसको पता क्या करना है, ऐसे करना है, हिलाना ऐसे है, इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना क्योंकि मछली अधगली हो चुकी है, टूटने का खतरा है, ये वजह है, ठीक है ना। ये देखिए बस अब जब भी आप एक आध दफ़ा हिलाएंगे आप इसको जब तक के आलू ना गल जाए। ये देखें जी हमारे आलू गल चुके हैं, ये देखिए मसाला भी तैयार है, बिल्कुल तैयार है इस वक्त ये, और इसको मैंने आधा घंटा पकाया है दरमियानी आँच पे रख के। उससे ये हुआ कि आलू भी गल गए, मछली भी गल गई और हमारा मसाला भी बिल्कुल सही है इस वक्त। आप पतला गाढ़ा जैसा करना चाहें कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इस मछली का सालन तैयार हो चुका है जो यकीनन बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।